महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सीजेआई चंद्रचूर की फटकार क्यों? एकनाथ शिंदे से जुड़ा क्या है ये मामला? सीजेआई चंद्रचूर ने फटकार लगा क्या दिए आदेश? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने के संकेत दिख रहे हैं। ऐसा तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूर ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को ही जमकर फटकार लगा दी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, इस फटकार के बाद शिंदे गुट में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूर के सामने शिंदे गुट के 56 विधायकों की अयोग्यता संबंधित याचिका पड़ी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूर ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को ही फटकार लगा दी। जिसकी वजह ये रही कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के बाद भी शिंदे गुट के इन 56 विधायकों की अयोग्यता के मामले में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले में फटकार लगाने के बाद तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 11 मई के बाद इस मामले में कुछ हुआ ही नहीं है। सीजेआई ने कहा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का तो ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि जब कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था तब भी कुछ नहीं किया गया। अपनी तल्ख टिप्पणी के बाद सीजेआई ने महाराष्ट्र स्पीकर से इस मामले को लेकर डेडलाइन दी है। इसके लिए महज 2 हफ्ते की समय सीमा तय करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ये मामला अनिश्चित काल तक नहीं चला सकते हैं। महाराष्ट्र स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में फैसला लेना ही होगा। साथ ही सीजेआई ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करना ही होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे गुट के 56 अयोग्य विधायकों के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ये आग्रह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश दें। इस याचिका के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। सीजेआई ने तुषार मेहता को भी कड़े शब्दों में कहा कि मिस्टर एसजी, स्पीकर को फैसला लेना ही होगा, वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेहता से भी सवाल किया कि आखिर महाराष्ट्र स्पीकर ने 11 मई के अदालत के फैसले के बाद क्या किया। सीजेआई चंद्रचूड़ के इस एक्शन के बाद शिवसेना उद्धव गुट में हलचल मच सकती है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र स्पीकर ने अपने फैसले में उन सभी 56 विधायकों को अयोग्य करार दिया, तब न केवल महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन वाली सरकार संकट में आ जाएगी, बल्कि जिन विधायकों के बल पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने हैं उस पर भी तलवार लटक जाएगी। बहरहाल महाराष्ट्र के स्पीकर को सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से लगी फटकार के बाद वो क्या फैसला लेते हैं, जितना ये अहम है उतना ही अहम ये भी है कि क्या वो फैसला लेते भी हैं, या फिर जिस तरह से मई से मामला लटकाए हुए हैं अपना वही रुख जारी रखेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।